आप बहुत बहुत रमजान बारिक बड़ी मजे की सारा खाना खाए। हाँ सर मैं मीठा खोई नहीं, ये घर में खुद बनाइए। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता बिल्कुल ठीक होंगे जबरदस्त। आज अचानक ही चांद नजर आ गया, ठीक है रमजान आप बहुत बहुत रमजान बारिक। मेरा दिल था कोई मुंह पीता हो जाए, पर मिठाई शिठाई नहीं है क्योंकि हम बाहर निकले थे, पर याद ही ना मिठाई नहीं है बिल्कुल, मुंह मीठा होता तो आपको बहुत बहुत ज्यादा रमजान बारिक। मुंह मीठा नहीं हो पाया मेरा क्योंकि मिठाई नहीं है। हाँ जी रमजान बारिक, रमजान बारिक, क्या रमजान बारिक, रमजान बारिक। मैं भी ऑडियंस को बता दूं रमजान बारिक जी, मैं भी अपने सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। आज सबके लिए मैं मिठाई लेके आया हूँ। अच्छा मिठाई लेके आए हैं? मैं भी मेरे को बता, मेरा मुंह मीठा हो गया। मीठा भी कराते हैं, मीठा आपको कराते हैं मुंह। ये जी मिठाई साथ लेके आया हूँ मैं। वाह खैर हो गई, अब ऐसा खाओ ना। तो ये अपने मिठाई के साथ लेके आया हूँ और मुँह मीठा कराने के लिए। और अभी हम ऊपर जाते हैं, सारे को ऑफिस को बुलाते हैं। और ये जी सुफियान आपको भी हमारी तरफ से चांद रात मुबारक, रमजान मुबारक आपको मुबारक हो। तो रमजान मुबारक जी, दान खैर मुबारक, रमजान मुबारक। हाँ जी ये पहली मिठाई हम दे रहे हैं। हाँ जी विजय रमजान मुबारक, खैर मुबारक, रमजान मुबारक आपको जी भाई साहब को। हाँ जी रमजान मुबारक जी, खैर रमजान मुबारक। तो आपको बहुत बहुत एडवांस एडवांस रमजान मुबारक, एडवांस रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। दिल खुश हो गए रोजे का नाम सुन के। पहले हम जा रहे हैं अभी ऊपर ऑफिस की टीम को मिठाई खिलाने, ठीक है उनका मुंह मीठा कराते हैं क्योंकि जब पहले रोजा बड़ी अचानक ही बना, मैंने आपको पहले बताया है, पहले अगले दिन बनना था जुम्मे वाले दिन, तो अचानक बना तो मेरी एक्साइटेड ही अलग है। अभी आ गए हम ऑफिस में मिठाई खिलाने। हाँ ये भी नहीं है, जॉब समझ रहे हैं ये भी नहीं है। बड़ी मजे की सारा खाना खाए। मैं मीठा खोई, हाँ फिर खाते क्या है रमजान की खुशी में उठाई। ये क्या मराठी है इसकी मिठाई बाबा जी लोग नहीं है ला नहीं, ये घर में खुद बनाइए। थैंक यू थैंक यू, सबको मिठाई खा ली गई है, सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। सबको मिठाई खिला दी है, ठीक है नीचे भी खिलाए हैं, नीचे के वर्कर्स को ऊपर स्टाफ को मिठाई खिला दी है। तो दोबारा रमजान मुबारक। हम अभी आए हैं इधर अलतर बेकर पे और सहरी के लिए कुछ सामान सामान लेने आए हैं। मैंने कहा भी दही अंडे, तो जनाब साहब ये कितने छह अंडे दे दे, छह अंडे। तो पता है सहरी में जो ना अंडे छंडे लोग बड़ी खाते हैं, क्यों आप भी खाते हैं? और मुझे लगता है आड़ियत भी खाती होगी अंडे छंडे, अंडे पराठे मक्खन। मेरी दही और अंडे घर चले गए तो मैं जा खा लूंगा। ओके ओके, और सुभान आप क्या खाएंगे? आप अपने बारे में बताए नहीं। दही अंडे तो सब कुछ नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूँ दही होनी चाहिए वैसे भी। ठीक है ये, फिर मैं कहता दही में सारी होती है अच्छी। ओके आप दही ना मिक्स। अच्छा आप कैसे सारी में खाना पसंद करते हो? वो कहता तके खाना पसंद करते हो? मैं जो मिल जाए। पहली साइज तैयार हो चुकी है, ये देखें ये मेरे दो पराठे, दूध, ये दही भी है साथ, ये अंडा भी, आमलेट भी है और पानी भी मैंने पीना है। और ये जी आज मेरी पहली सहरी जो मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ। और आप कमेंट से बताइएगा कि आपकी सहरी का क्या कुछ था। आए क्या हुआ चाचू, जब अंधे शंधे ले गए तो आपका चार हो गए हैं, ठीक है अभी मैं हूँ और ये जनाब नाश्ता वाश्ता मुका चुके हैं, तो अभी टाइम थोड़ा ही रह गया, सवा चार हो गए, 4:35 से रोजा। अभी मैं पता कपड़े चो बाद में चेंज करूँगा, नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर रोज़ा बंद करूँगा, फिर वलीद को लेने एक साथ जाएंगे नमाज पढ़ने हैं। तो मैं तो आ गया चाचू, नाश्ता कर लिए, तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ, देखता हूँ नाश्ता बन गया ये नहीं बना। ये अभी मेरा भी नाश्ता आ चुका है, दही और पराठा, अभी एग अंडा
और चाय और पराठा और अगर दो बड़ा देता खाऊँ तभी थोड़ा पेट बुझ जाएगा ना पूरे दिन अफ्तारी टाइम के लिए। हाँ जी फिर सर की जा रही है, मैं सर कर चुका हूँ। मैं तो बैठा था ना पराठा खा लिया अधिकतर शॉप पे। अच्छा अभी और पराठा बंद है वो अपने के साथ। ओके अभी किसके साथ खा रहे हैं? अभी डेंग के साथ। ओके डेंग के साथ। ओके नाइस। बस ना पानी बहुत है, पेट दर्द करने लग पड़े। सो जाना सारा खत्म। अभी हम ज़्यादा पीते हैं पानी पी लिया, पेट छिट फुल हो गया, दो पराठे खा लिए। अभी मैं और साथ जो है वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, फजर की नमाज़, और वुजू कर लिया मैंने। और साथ कहते हैं कि मैं जो है ना वो मस्जिद जाके वुजू करूँगा। बिल्कुल सर्दी बार बहुत हो गई है, सर्दी बार जगह नहीं पहन के है। और मैंने कहा टाइम निकलते हैं बुला लेते हैं हो गया होगा छोड़ो पर। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने एक चीज़ देखी कि जो है ना रमज़ान ठंडे ठंडे मौसम में आ रहा है। तो पहले 20 रोजे तो मुझे लगता है कि ठंडे मौसम गुजर जाएंगे, लेकिन देखो काफ़ी सर्दी लग रही है। तो अच्छा है आखिरी 5-6 रोजे जो है ना वो होंगे गर्मी होंगे। तो अभी हम मस्जिद में जा रहे हैं, तो आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो जी अभी हम नमाज़ पढ़ के आ गए हैं मैं और साथ। मौसम मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त मौसम, देखें आप यहाँ पे अभी अंधेरा है, काफ़ी सारा अंधेरा है बाहर, और जो है ना बाहर ठंडी चल रही है, ज़बरदस्त माहौल है। तो आपको दोबारा रमज़ान मुबारक। आज पहले रोज़े की सैरी हो चुकी है, तो नमाज शमाज पढ़ लिया चाचू ने मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले रोज़े का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।